मैं पवन आनंद गर्ग फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से सनातन धर्म का फिर विज्ञान बताऊंगा। जो शिवलिंग पे हम लोग कांवड़ चढ़ाते हैं उसका पूरा विज्ञान आपको बताऊंगा कि उसका क्या विज्ञान है और क्या तथ्य है। सनातन धर्म को देख के तो वास्तव में ऐसा लगता है कि ये धर्म पूरा वैज्ञानिक है या विज्ञान को ही धर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं कि कांवड़ चढ़ाने के पीछे क्या तथ्य हैं और क्या विज्ञान है। मित्रों, सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाई जाती है। सावन के महीने के पहले गर्मी का मौसम आता है। गर्मी में पहले हमारे यहाँ सब तालाब वगैरह हुआ करते थे, तो ये तालाब गर्मी में सूख जाते थे। जब सूखेंगे तो इसमें से जो जीव हैं, मछली और कछुए वगैरह, ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, अब सावन का महीना जब रिमझिम फुहार वगैरह शुरू होती है तो थोड़ी गंदगी भी तालाबों में जाती है और उसमें मछली कछुए वगैरह भी नहीं होते हैं जो उस गंदगी को खा सकें। तो देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या दिमाग लगाया कि शंकर जी पर कांवड़ चढ़ाएंगे। अब ये कांवड़ के लिए पानी हम लोग किसी ना किसी सिद्ध स्थान से लाते हैं। तो ये सिद्ध स्थान जैसे गंगा जी हैं या कोई सिद्ध कुंड है, इसी तरह की जगहों से ये जल लाके शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो हर ऐसी जगह पर जितने भी सिद्ध स्थान हैं, कोई ना कोई उनके जल में औषधीय गुण जरूर है। या तो उसमें कुछ खनिज इस तरह के हैं जो औषधीय प्रभाव देते हैं, या फिर वो पानी जड़ी बूटियों से रिस के आ रहा है जिससे उसमें औषधीय प्रभाव आ जाता है। तो जब हम वो जल चढ़ाते हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा कि शिवलिंग किसी ना किसी जल स्रोत के किनारे बने हुए रहते हैं। शिव मंदिर, शिवलिंग वहीं पर स्थापित होते हैं और उनकी नाली शिवलिंग की कहीं ना कहीं किसी ना किसी जल स्रोत में तो जाती ही है। तो औषधि युक्त जल उसमें जाता है। और मित्रों, सावन का महीना ही मछली वगैरहों के ब्रीडिंग सीजन होता है, प्रजनन का सीजन होता है। आप देखते होंगे कि उस समय सरकार मछली मारने पर भी रोक लगा देती है, क्योंकि मछली अपने अंडे उसी समय देती है। तो मित्रों, आप लोग कांवड़ के जल में वो भी लेके आते हैं तो हमारे तालाबों में हर जगह मछली और कछुए वगैरह के अंडों की पूर्ति हो जाती है। तो देखिए मित्रों, पहले आज तो मछलियों के बीज मिल जाते हैं बाजार में, लेकिन पहले तो ये चीज़ें बाजार में नहीं मिलती थी। तो आखिर कैसे हमारे ऋषियों ने पूर्ति कराई, कितने महान थे हमारे ऋषि। मैं विज्ञान का धन्यवाद देता हूँ, अगर आज विज्ञान नहीं हुआ होता तो हमको तो सनातन धर्म का विज्ञान कभी भी पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है। तो मित्रों, कांवड़ का समय आने वाला है, 1-1.5 महीने बाद ही सावन शुरू होगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फैलाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे लोगों को पता लगे कि हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा विज्ञान है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको पहले की तरह पसंद आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपको आगे बहुत नई नई और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।